कोशिश करने वालों की कभी माताओं थोड़े कोई मौन व्रत लियोड़ो है या आप कोशिश करना नहीं चाहती हैं, दो में से कोई एक बात होगी। क्या आपको आगे बढ़ना नहीं है? आपकी क्या बेटियों को आगे बढ़ाना नहीं है? कोशिश करने वालों की कभी, इसलिए कोशिश करते रहिएगा। मजदूरों की तरह थोड़े ही जीना है, सारे दिन केवल हम कमर पे बोरी उठा के थोड़ी जिएंगे, उसके लिए कुछ आगे भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है पैसा कहाँ है। चलो आप धंधे से जुड़े हुए लोगों के सवाल का जवाब देंगे, आप पैसा कहाँ है, कहाँ है पैसा? मैं बताता हूं। चलो एक मजदूर धंधा करता है, मजदूरी करता है, पसीना खून पसीना बहाता है अपना, लेकिन दिन भर में 500 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 500 रुपए मिलते हैं उसको, दिन भर मेहनत करके भी 500 रुपए कमाता है शाम को। लेकिन एक आदमी जिसने पढ़ाई कर ली, प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, और कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तो उसको सरकार तनख्वाह देती है महीने के 50,000, धरता ही 50,000 मिले, 50,000 रुपए, और उसमें 25 दिन काम करना होता है, 5 दिन तो छुट्टी, 25 दिन काम करना होता है, 50,000 रुपए उसको मिलता है, एक दिन का कितना हुआ 2,000। मजदूर को मिलता है एक दिन का, और उसको प्रोफेसर को मिलता है एक दिन का, मजदूर ज्यादा भागता है या प्रोफेसर? मजदूर ज्यादा भागता है, पसीना मजदूर ज्यादा बहाता है, हैंग दिन लागड़ो पड़े, प्रोफेसर तो आप रे बढ़िया एसी रूम है, आराम हो बैठो है, थोड़ा फाइल में साइन इन कर लिया, एक आध घंटा पीरियड ले लियो, काम खत्म। यानी कुल मिला के 4-5 घंटे का कॉलेज में काम होता है, उसके बाद फ्री, लेकिन पैसा खूब कमाता है, महीने का 50,000 कमा लेता है। अब जो लोग आपरी बेटियों ने पढ़ावे नहीं, जका आपरी बेटियों ने घरों बारे काटे नहीं, वन वास्ते सीखे हो थाई देखो के कई पढ़ियो बारे, अपने तो घर में ही ठीक है। लेकिन याद रखो, पढ़ाई अगर करवाई बेटियों को, और अगर कॉलेज में टीचर की भी नौकरी लगी, प्रोफेसर की, लेक्चरर की भी नौकरी लगी, तो वो महीने के 50,000 तो आराम से कमा सकती है, खुद का खर्चा तो आराम से निकाल सकती है, और आने वाला जमाना तो पढ़ाई का, इसलिए बेटियों को भी खूब पढ़ाना। मैं तो खूब बोलता हूँ बालिका शिक्षा पर, आप भी पढ़ाना, आप तो पढ़ाते ही हो, सब अच्छे विचारों को हो और अच्छे विचारों के हो, लेकिन पढ़ाना। लेकिन 50,000 भी कम लगता है, इससे भी ज़्यादा है, पैसा कोई कम नहीं, पैसा तो इससे भी ज्यादा है। अभी पैसा कहाँ है मैं बताता हूं, इससे थोड़ा आगे बढ़ो। आईपीएल मैच देखते हो, युवा हो, क्रिकेट तो आपको बहुत खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे, बहुतों को तो बहुत जबरदस्त नशा भी होगा। लेकिन क्रिकेट मैच में, आईपीएल में धोनी खेलता है, एक मैच खेलता है एक दिन, और कितना कमाता है? करीब 1 करोड़ रुपया कमाता है एक दिन का। यह आंकड़े बता रहा हूं मैं, एक दिन का 1 करोड़ रुपया कमाता है। अरे धोनी तो फिर भी कम है, अमिताभ बच्चन क्या बीसी में बैठता है, और कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 1 घंटा प्रश्न पूछता है, और उसका 3 करोड़ रुपया कमाता है अमिताभ बच्चन, 3 करोड़ रुपया कमाता है 1 घंटे का। इसका मतलब पैसा किसमें है? मजदूरी में पैसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी करी लेकिन नौकरी है सरकारी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, परंतु पैसा है कौशल में, पैसा है आपके कौशल में, कि अपना कौशल जगाओ, अपना टैलेंट जगाओ यार, टैलेंट होना चाहिए। अमिताभ बच्चन को पैसा ऐसे ही थोड़ी मिलता है, उसका टैलेंट है इसलिए उसको पैसा मिलता है। धोनी क्रिकेट में खेलता है तो लोगों को विश्वास होता है कि ये जिता के जाएगा, उसको कितना बढ़िया मैच फिनिशर मानते हैं कि छक्के से जीत करवा देता है, टैलेंट है ना बंदे में, तो 1 करोड़ रुपया एक दिन का कमा लेता है। लेकिन इससे भी आगे की बात सोचो, क्या इससे भी ज्यादा पैसा हो सकता है क्या? कहां पे, कहां पे पैसा आया कैसे उसके पास? मैं बताता हूं, अंबानी की छोड़ो, अंबानी से भी आगे की बात बताता हूं, आप अंबानी तक टिके रह गए, इससे भी तो आगे है। ये छोटा सा मोबाइल, इस मोबाइल में हम लोग, अभी कथा चल रही है, ये प्रवचन चल रहा है, इसकी फोटोज आपके कई परिवारजनों तक पहुंच गई होगी व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। एक ऐसा ऐप बनाया गया व्हाट्सएप, उसका नाम, उससे शेयरिंग होती है, मैसेज इधर उधर जाते हैं, ठीक है, सेंड हो जाते हैं। और ये व्हाट्सएप एक कंपनी, कोई जमाने में बहुत छोटी सी कंपनी थी, कुछ था नहीं,
लेकिन उसको लगा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा किया जा सकता है तो लोगों ने इतना पसंद किया और लोगों के लिए ये एक ऐसा ऐसा हो गया कि ये तो यूज करना ही पड़ेगा, धंधा करना है, सैंपल भेजना है, कुछ करना है तो व्हाट्सएप से फोटो भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, बहुत सारे काम भी तो होते हैं इससे। तो इतना जबरदस्त दुनिया के अंदर ये चला कि करीब 6 महीने पहले इस व्हाट्सएप कंपनी को खरीद लिया गया। कितने में बताऊं? 19 अरब डॉलर में इसको खरीदा गया, व्हाट्सएप को, जिसने खरीदा है इसको 19 अरब डॉलर में खरीदा। अभी 19 अरब डॉलर आप कहोगे कितना होता है, तो मैं बताऊं आपको, अभी अंबानी का नाम लिया ना आपने, अंबानी हमारे देश का सबसे बड़ा धनपति, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धनपति अंबानी, अंबानी की संपत्ति है 18 अरब डॉलर, और व्हाट्सएप जो खरीदा है वो खरीदा गया है 19 अरब डॉलर में, उससे भी ज्यादा में। इसका मतलब क्या है? व्हाट्सएप क्या है? एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया कि क्यों ना कि ऐसा किया जाए ताकि जिससे दुनिया जुड़ सकती है और पैसा कमाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? दिमाग में, आइडिया में। आदमी को आइडिया लगाना चाहिए कि मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूं, मैं वैसे पैसे कमा सकता हूं, मैं वैसे पैसे कमा सकता हूं। कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी हमने देखा है, वो कहते हैं साहब पैसा नहीं है, लेकिन कई बार बिना पढ़े लिखे लोगों, सूरत के अंदर एक जनता अपार्टमेंट के अंदर ब्यूटी पार्लर चलाती है एक महिला, आप पता कर लेना, सूरत के अंदर वो जनता अपार्टमेंट के अंदर है और ब्यूटी पार्लर का धंधा करती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन साल में कितना कमाती है मालूम है? आप सोच भी नहीं पाओगे कितना कमाती है, आपके हिसाब से सोचो। वो महिला है, ब्यूटी पार्लर का धंधा करती है, कितना कमाती होगी? उन्हें पूछियो कि भाई तू कि रुपया कमावे, तो कहे कि ब्याह और सीजन वेन्यू उनके में एक दुल्हन ने तैयार करना 25-30 हजार रुपया लू मैं, एक दुल्हन को तैयार करने का। कितने दुल्हन को तैयार करते? बोले 200-250 तो तैयार हो ही जाते, तो कितने का तो उसका टर्नओवर होगा, और पक्का पक्का एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट वो कमा लेती है ब्यूटी पार्लर से। बोलो आप, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आइडिया, आइडिया काम करता है और आदमी को कहां से कहां ले जाता है। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर भी भगवान ने वो क्षमताएं दी है, ये इतना सा दिमाग है, लेकिन इस दिमाग के अंदर जो क्षमताएं भगवान ने भरी है वो सारी दुनिया को जीतने की क्षमताएं भरी है। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, कभी थकिएगा कहीं, निराश मत होइएगा, और मैं हमेशा आप सबके लिए शुभकामना करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संत जो आपको यह कहता है कि आप दुकान भी खोलो, आप आगे भी बढ़ो, आप विकास भी करो, नहीं तो देखो मैं तो महाराज अलग डंगरो महाराज हूं, मैं आपने वो भी कहूं कि माला भी बनाओ और मैं आपने वो भी कहूं माल भी कमाओ, दोनों बात जरूरी है, भगवान का भजन भी जरूरी है, तो हमारे जीवन में कर्म भी करना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो कर्म करने की शिक्षा दी, और उन्होंने अर्जुन को कहा जब वो थक के हार के बैठ गया निराश होकर रथ के पीछे, तब भगवान कृष्ण ने कहा पागल निकल बाहर, क्या तू निराश होकर के बैठ गया है, युद्ध कर। कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा, वो तो भगवान थे, वो ये भी तो कह सकते, अच्छा अच्छा बैठ जा, सो जा अर्जुन बेटा सो जा मैं लड़ लूंगा, ये भी तो कह सकते थे, और वो भगवान थे, कौरवों को मारने में उनको 2 मिनट लगता, सुदर्शन चक्र चलाते 1 मिनट में हल्टारो कर देता, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा नहीं सब मैं कर दूंगा, तो तू क्या करेगा, तेरे को क्या करना। तब भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा सपोर्टर हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरा रथ और तेरे रथ के घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में रखूंगा, लेकिन युद्ध तो तेरे को ही करना पड़ेगा, लड़ना तो तेरे को ही पड़ेगा। और वो अर्जुन लड़ा तो सज्जनों युद्ध जीत गया महाभारत का। वैसे ही हम सब अर्जुन की कक्षा में है और भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। आप जितना ज्यादा इस दुनिया के अंदर कर्म करेंगे, कृष्ण भगवान का उतना ही आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान साथ ऐसे ही देता है, भगवान के साथ देना तरीका अलग अलग है। कोई आदमी अगर बैठो हो जावे, दौड़े लग जावे, तो भगवान कहवे वाह कमाल है तेरे अंदर और कैपेसिटी देता हूं, और भगवान और कैपेसिटी दे देते हैं। अगर कोई आदमी 2 कदम चलता है तो भगवान उसको 4 कदम चलाने की ताकत दे देते हैं, 4 कदम चलता है 8 कदम चलने की ताकत दे देते हैं। एक दरवाजा कोई खोलता है मेहनत से, तो भगवान उसके लिए 10 दरवाजे खोल के तैयार रखते हैं, भगवान ऐसे मदद करता है। लेकिन कोई आलसू हुए टट्टू कहीं नहीं करे, चादर ओढ़ पर और कांबड़ ओढ़ हुतो रहे, तो भगवान उन्हें भी मदद करे, भाई भगवान है वे तो,
पण की कर करे धोंटाय, जको दौड़े उने और दौड़ावे, जको एक दरवाजो खोले तो उने वास्ते 10 दरवाजा खोले, पण जको काम लोडन होतो रहेवे भगवान उने उने आन रजे ओडा देवे। तू और सु थारे होतो ही काम रही, तू होतो ही बढ़िया है। इन वास्ते होतो नहीं रहनो है, होता रहा तो भगवान डबल हुआ देला। और जिस दिन जग गए, जिस दिन जग गए उस दिन भगवान उठा देगा, जिस दिन उठ गए उस दिन भगवान बैठा देगा, जिस दिन बैठ गए उस दिन भगवान दौड़ा देगा। इसलिए सज्जनों ये याद रखना कि ईश्वर तब साथ देगा जब हम कुछ कर्म करेंगे। लोगों ने तो कह मारे कि करो रे दुनिया में, कि करो भारत ने आगे बढ़ा, कही कह अब मैं कही करा सा ऊपर वालों करी, ऊपर वालों कहे नीचे वालों की नहीं करे, जन ऊपर वालों का ही करे। अरे तने भेजो किन वास्ते, अरे तू भी तो कुछ कर भाई। इसलिए सबको लगना है और दुनिया में नाम कमाना है, यही मेरी गुजारिश है। और साहस के साथ काम करना है सज्जनों, साहस के साथ। कि धन जब आता है और उसमें कामनाएं अगर बुरी होती हैं तो वो पतन के रास्ते पर ले जाता है, पर धन आवे और कामना भी अच्छी हुए और भगवान की कृपा हुए तो वो धन विकास की ओर ले जाता है, धर्म की ओर लेकर के जाता है। नहीं तो क्या बोलते हैं, चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बॉटल खुलवाने लगी, चाह जब बॉटल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, चाह जब बॉटल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, लेकिन चाह जब शिव कथा से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया, जीवन हमारा धन्य हो गया। Pump it, give me the body. Oh, high, oh, high, oh, high.